प्रदीप भाटी जी, अखिलेश यादव तो कह रहे जाते जनगणना कांग्रेस ने बंद कराई, प्रेम जी प्रेम शुक्ला तो कह रहे हैं आप धीरेन्द्र कुमार, आप धीरेन्द्र कुमार को जोड़ रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता बन रहे, लेकिन प्रेम शुक्ला का कहना है कि आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी थोड़ा अपडेटेड नहीं रहते हैं। प्रेम शुक्ला जी को ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने ही, माननीय अखिलेश यादव जी ने ही कांग्रेस को उस जाति जनगणना के मुद्दे पे लेके आ गई, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक की बात सीमित नहीं रही, इसका सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि उससे कांग्रेस के साथ आने से पूरा देश एक संगठन सुनिए, मैं अपडेटेड हूं, विधानसभा में बोले कांग्रेस को हम साथ लेके आए हैं। भाटी जी भी कल विधानसभा में, अरे शुक्ला जी कल विधानसभा में अखिलेश यादव जी बोले, शुक्ला जी शुक्ला यही तो बोला है कि कांग्रेस को भी उन्होंने ही तैयार किया है। कांग्रेस अगर तैयार हुई है तो हमारे उसमें, और देखिए आप कोई गुरेज नहीं है कि जो आप बात कर रहे थे, जो एक मिनट बात तो कंप्लीट हो जाती है। शुक्ला जी शोला जी थोड़ा सा गरिमा बनाए रखे, मैं बीच में नहीं बोला आपके, जवाब सिर्फ आपको स्मरण कर, आपने दूसरी बात कही कांग्रेस की, नहीं नहीं मैं आपका जवाब देती ना, अगर आपने करा दिया धन्यवाद आपका, आप बाद में जवाब भी सुन लीजिए। दूसरी बात, आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस उसी राह पे भाजपा चली है जो कांग्रेस ने उसे दिखाया, और उससे कहीं आगे जा चुकी है। तो जो आप ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सीबीआई का इस्तेमाल किया और कैसे अब ईडी का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, एक एजेंसियों का दुरुपयोग, ये आप उसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस ने उसको शुरुआत करी और आपने उसको आगे बढ़ा दिया। जी आपका जवाब आ गया, मैं अनुमा आचार्य जी से जवाब लेता हूं, आगे बढ़ती जाएंगे। बिल्कुल अनुमा आचार्य जी, देखिए समाजवादी पार्टी का साफ तौर पे यह कहना है कि कांग्रेस खुद जिम्मेदार होगी अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव हारती है, क्योंकि सपा ने गठबंधन का प्रस्ताव दिया था और आपने ठुकरा दिया। मैं सेलेक्टिव आपकी बात नहीं लूंगी, मैं पहले तो प्रेम शुक्ला जी को देख रही हूँ, जिस तरह से प्रधानमंत्री खिसियाते रहते हैं उसी तरह बीजेपी के प्रवक्ता भी बड़े खिसिया खिसिया के बात करते हैं। आपको चक दे इंडिया मूवी याद है जिसमें देश मैं के लिए से खिसिया के बात कर रहा हूँ, जरा इनकी आंखों को जरा जो है चश्मा भेजने की आवश्यकता है, आपको मेरे चेहरे पे खिसियाहट दिख रही है विशाल जी, इनकी आंखें जो है ये इनके नयन जो है वो धूमिल हो गए हैं, और इसी को देख के सबसे ज्यादा चिढ़ होने वाली जिस पार्टी को है वो भारतीय जनता पार्टी, जो केवल सत्ता रक्तचाप कांग्रेस पर लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया, जिनके पास 10 साल सत्ता थी वो आज भी कोस कैसे शब्दों का प्रयोग करती, बेवकूफ बनाया, चुनाव कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, बताने को नहीं है कितनी गटर संस्कृति की उत्पाद है ये सारे कांग्रेसी प्रवक्ता, डुबा दिया 55 लाख का करोड़, जो करोड़ का कर्ज जो था वो 70 सालों में था, पर इन्होंने 10 साल में 172 लाख करोड़ का कर्ज में देश को डुबा दिया, 80 करोड़ जनता को लगातार ईडब्ल्यूएस बनाए रखा है इन्होंने। अनुमा जी देखिए ये तो सारे मुद्दे आपने चुनाव के समय उठा ही दिए, जो उठाना था जनता को जनता ने तय कर लिया है, पहले तो शर्म आनी चाहिए और अनुमा जी ने मुंह छुपा लेना चाहिए। अनुमा जी देखिए मैं उस काम को छोड़कर उन्होंने यहाँ वहाँ इसकी उसकी अपनी लाइन तो लंबी करते, अनुमा जी अपने जब आपको समय मिला है वो तो काम करते, अनुमा जी आपने मुद्दे तो सारे सभी पार्टियों ने रख दिए, कांग्रेस ने बीजेपी ने अन्य दलों ने, अब तो जनता ने वोट भी दे दिया है, पर नहीं ध्यान रख के दूसरों के ऊपर तंज कर, कल पता चलेगा ना अनुमा जी कि किसके पक्ष में जनता ने वोट किया है। अपना घर देखिए, क्योंकि आपका घर शीशे का है, दूसरों के ऊपर पत्थर मत मारिए, और आपने किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा है बताइए तो जरा, दिन भर हिंदू मुस्लिम। मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेता हूं, मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेता हूं, रियाज अट्टारी ने की थी जो गुलाब चंद कटारिया जी के दामाद के घर काम, चलिए अनुमा जी मैं जवाब ले लेता हूं, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए किन मुद्दों पे आपने चुनाव लड़ा, अनुमा आचार्य कांग्रेस की प्रवक्ता पूछ रही हैं जी। देखिए खिसियाहट झल्लाहट रक्तचाप बढ़ना ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं का रोग है, मेरे चेहरे पर कहीं से आपको खिसियाहट दिख रही है, लेकिन जिस तरह के शब्दों का चयन कांग्रेस के प्रवक्ता करते हैं वो अपनी अपसंस्कृति का नग्न प्रदर्शन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास विकास और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश का जिस तरह से कायाकल्प किया, आप 2003 के पहले का मध्य प्रदेश देख लीजिए किस तरह से बंटाधार श्रीमान दिग्विजय सिंह ने किया था, किस तरह से बिजली सड़क और पानी की स्थिति थी, सिर्फ 60,000 किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश में 2003 तक थी, 1956 से 2003 तक सिर्फ 56,000 किलोमीटर सड़कें और 5,60,000 किलोमीटर सड़कें आज हैं, किस तरह से वहां जो है रकबा बढ़ा कि किसी जमाने में सिंचित रकबा सिर्फ 7 लाख हेक्टेयर हुआ करता था, आज वहां 45 लाख हेक्टेयर का रकबा है,
वहां का पर कैपिटा इनकम जो है 14 गुना बढ़ गया, वहां की जीडीपी 12 गुना बढ़ गई, वहां बिजली का सरप्लस स्टेट हो गया, वहां 21 योजनाएं महिलाओं के लाडली लक्ष्मी से लेके लाडली बहना तक 21 योजनाएं जो है सिर्फ महिला कल्याण की है, वहां जो है जनजातीय कल्याण की योजनाएं हैं। तो जिस तरह से हमने विकास किया मध्य प्रदेश में उस पर लड़ा, और हमने जिस तरह से इन्होंने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे, गोबर में घोटाला इन्होंने किया, शराब में घोटाला इन्होंने किया, जुआरियों से भी सट्टा सट्टा कह रही थी, सटोरियों से वसूली करने का दुष्कर्म जो है वो इनकी सरकार ने किया। अब आप राजस्थान आ जाइए, राजस्थान में भी इसी तरह की इनकी सबसे अधिक अगर पेपर लीक कहीं पूरे देश में हुआ तो राजस्थान में हुआ, सबसे अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार कहीं में तो राजस्थान में हुए, सबसे अधिक भ्रष्ट कोई सरकार चली तो राजस्थान की सरकार चली, सबसे अधिक मुस्लिम तुष्टिकरण कहीं हुआ तो राजस्थान में हुआ। तो ये सारी इन्हीं सारे मुद्दों पे हम चुनाव लड़े। चलिए देखिए, प्रेम जी ने अपने मुद्दे बताए कि बीजेपी ने किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा। के लोगों का जो है विस्मरण रहता है सारे मुद्दों का, इसलिए उनको याद नहीं आता कि मुद्दे क्या थे, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं होते हैं। चुनाव आ गया तो त्रिशूल और कप लेने का पाखंड प्रारंभ हो जाएगा, मंदिर मंदिर घूमने का पाखंड हो जाएगा। जो कल तक जय जो जो है अली की जिंदाबाद कर रहे थे, चुनाव आते ही बजरंगबली उनको याद आने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को पूरी तरह से देश की जनता पहचानती है कि जो लोग बाकी मौसम में गाय काटते हैं, चुनाव आते ही गाय को चारा खिलाने लगते हैं। तो गाय को चारा खिलाने वाले किस तरह से गोपाष्टमी के दिन संतों का कत्ले आम करने का कुकर्म कांग्रेस के नेताओं ने किया था, वो ये देश भली भांति जानता है। बिल्कुल, देखिए प्रेम शुक्ला जी आपने मुद्दे बताए। अनुमा आचार्य का फोन हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गया, हम उनसे आगे इस पर प्रतिक्रिया लेंगे जो आपने मुद्दे गिनाए हैं। फिलहाल मैं धीरेंद्र कुमार जी आपसे सवाल लेता हूं। धीरेंद्र कुमार जी, सभी अपने अपने दलों की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि 24 का आगाज होगा, तो क्या यह माना जाए जो भी नतीजा आएगा ये 24 का पूरा सेमीफाइनल का नतीजा रहेगा, इससे आने वाले गठबंधन भी तय होंगे, चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात हो या एनडीए की हो? देखिए कि ये परिणाम आगाज अगर इसको दोनों को मिला रहे हैं तो इसमें मैं सहमत नहीं हूं। 2024 के आगाज हमारे विकास को लेकर के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैश्विक विकास हो रहा है, न सिर्फ आज हमारे प्रधानमंत्री जी यूएई में जाते हैं, आप तो कवर करने भी गए थे विशाल जी। भारत जैसा गरीब देश जिसको लोग समझता था कि इनको हम लोगों को सहायता करना है, आज वो कार्बन पे बात कर रहा है कि कार्बन उत्सर्जन हम लोगों को 45% तक कम करना चाहिए। तो जो विश्व में गरीब देशों की आवाज बनकर के मुखर नेतृत्व कर रहा हो, वह देश अपने देश के गरीबों की बात कितना गंभीरता से ले रहा हो, ऐसी पार्टी ऐसा गठबंधन इसकी आगाज है। और निश्चित तौर पर 2024 में हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, परिणाम तो हमारे पक्ष में है ही, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अभी भाटी साहब बोल रहे थे, हमारे पर आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, गठबंधन का मतलब होता है एक दूसरे का सम्मान करना, आपके जैसा नहीं है मेरे भाई कि अगर यहाँ पे आए तो कुछ भी कुछ अपशब्द कहे जा रहे हैं। हम गठबंधन से कुछ दिनों के लिए अलग भी रहे थे, तब भी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कभी एक भी बयान गठबंधन के नेता के खिलाफ में नहीं दिया था, और ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता या नेता ने हमारी पार्टी या नेताओं के लिए दिया है। अनुमा आचार्य जी आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं आपसे सवाल लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी ने अपने सारे मुद्दे गिनाए कि बीजेपी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ी, और प्रेम शुक्ला जी ने ये कहा कि विकास के मुद्दे कांग्रेस भूल गई थी, इसलिए चुनाव आते ही अली की जगह बजरंगबली की बात कर रही है कांग्रेस, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। विशाल जी, ऐसा है कि दिग्विजय सिंह जी ने पूरी अर्थव्यवस्था का 1/5% जो था वो लोन था, यानी कि 25,000 करोड़ का लोन था, आज इन्होंने 4,25,000 करोड़ का लोन कर दिया है राज्य पर। फिर ये कहते हैं कि राज्य ऊपर बन गया, ये विकसित कर दिया। सच तो ये है कि आज भी गरीबी में मध्य प्रदेश का नंबर सबसे नीचे है, नीति आयोग की रिपोर्ट में कुपोषण में सबसे ऊपर है, महिला अपराधों में सबसे ऊपर है, कभी नीचे हो जाता है ऊपर हो जाता है, मतलब पहले दूसरे नंबर पे बना रहता है। उसके अलावा बेरोजगारी में सबसे ज्यादा बुरा हाल है मध्य प्रदेश का, नशा, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं तो नशा करवा रहे हैं, नशा बढ़ गया है मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बरगलाने का काम करती है, और इसीलिए तो 36,000 घोषणाएं करने के बाद किसी देखिए रिपोर्ट कार्ड नहीं है इनके पास, इसीलिए आखिरी के तीसरे महीने में इन्होंने लाडली बहना योजना शुरू की।